सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार, आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के बारे में। तो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सीरीज है वो OWASP टॉप 10 की सीरीज है और इसमें हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। इससे पहले दो वीडियो मैंने बना रखी थी SQL इंजेक्शन और हमारा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पे, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और OWASP टॉप 10 के ऊपर मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ लाइन बाय लाइन और हिंदी में आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है, इनकी वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा एंड आपको ये भी बताऊंगा कि डेमो वीडियो में क्या क्या है, मतलब डेमो वीडियो में आप कैसे उसको वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं OWASP टॉप 10 की जो थर्ड कैटेगरी है उसमें आता है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। अब सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के मैं बारे में आपको बताऊं तो यारी ये वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, पर उतनी लेवल की वल्नरेबिलिटी नहीं है। मतलब आप क्या करते हैं इसमें कि हमने कोई और वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, उस वल्नरेबिलिटी से हमें ये वल्नरेबिलिटी मिलती है। इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की बजाय थोड़ा सा और शॉर्ट में बताता हूँ और अच्छे समझाता हूँ कि क्या क्या चीज होती है इसमें। तो सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, ये तीन वर्ड आपको समझ आ गए। सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर मतलब सेंसिटिव कुछ इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है एक इंफॉर्मेशन जो हमें कुछ मिल सकता है यूजर नेम पासवर्ड के फॉर्म में या फिर प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, पर एक्सपोजर मतलब कि वो हमें एक्सपोज मतलब दिखता है एकदम, ठीक है। तो सेंसिटिव एक ऐसा पासवर्ड या फिर कुछ भी आधार नंबर या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स, ये सब जो चीज़ें हैं सेंसिटिव डाटा में आती हैं और एक्सपोजर मतलब वो आपको निकल के आती है। तो अब इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड कैसे कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए आपको इससे पहले एक वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डाटाबेस से कुछ निकालना है तो सबसे पहले आप SQL इंजेक्शन करेंगे, SQL इंजेक्शन का हैक मारेंगे। SQL इंजेक्शन हमारा डाटाबेस में कुछ अलग अलग कमियां निकालता है और ढूंढता है कि हाँ भैया ये SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है इस वेबसाइट पे। तो आप क्या करेंगे कि जब आप वेबसाइट पे मिलेंगे तब बब स्वीट या फिर कोई भी और टूल की मदद से उनके कनेक्शन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल है वो डाटाबेस तक जा रही है और वो डाटाबेस से डिटेल यहाँ आ रही है एकदम प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में। तो इसको मैं थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यार इसको बहुत लोग ये भी कहते होंगे कि कैसे इसको फाइंड किया जाए। तो देखो जैसे कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली अपनी वेबसाइट पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आपने वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली हैं, अब क्या होगा आपने कहीं और वो वेबसाइट मतलब इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब कोई प्रोटेक्टेड हाईली प्रोटेक्टेड वेबसाइट होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे आपको मैसेज भी आते होंगे अगर क्रेडिट कार्ड से डिटेल दिया ऐसे कुछ, तो वहाँ पे आपको सामने ऐसे डिटेल्स आते होंगे XXXX/XX ऐसे और लास्ट में आपका 4 डिजिट का नंबर होता है। तो ये होता है मास्किंग, आपकी जो डिजिट है उसको मास्क कर दिया गया है। पर जो इस वल्नरेबिलिटी में होता है वहाँ पे वो वल्नरेबिलिटी एकदम पूरे प्लेन टेक्स्ट मतलब कि अभी पूरे क्रेडिट कार्ड डिटेल 912968 जो भी डिटेल है वो पूरी प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में आपको दिख जा रही है। तो ये सेंसिटिव डाटा में आता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन इन्फो ऑफ रिस्पॉन्स डाटा, मतलब आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाली और उसका रिस्पॉन्स आपको मिला एक डाटा के फॉर्म में और प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक क्लियर। तो इतना बताने के बाद आपको थोड़ा सा और इसके बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे दी जाए या फिर मैं आपको इसमें कुछ बता दूं इतना बताने के बाद, तो ये एक अनइंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लीजिए जो HTTP वेबसाइट होती है और एक HTTPS वेबसाइट होती है, तो HTTPS वेबसाइट सिक्योर होती है बहुत, मतलब उतनी लेवल की होती है सिक्योर। HTTP जो मतलब रिस्पॉन्स को भेज देती है, मतलब आप यूजर नेम और पासवर्ड, अगर आपने मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं यानी कि 2-3 साल पहले से ही, तो मैंने 2-3 साल पहले ही आपको बता दिया था कि ये चीज़ ये होती है, मतलब कि आप किसी वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड ले सकते हैं अगर आप HTTP वेबसाइट में हैं, मतलब कि वो बंदा HTTP वेबसाइट में अपना लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है वहां से आप यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकते हैं। अब आती है बारी HTTPS की, तो यहाँ पे भी कई बार क्या होता है ना कि जो ऑटोमेटेड या हाई सिक्योरिटी वो नहीं सेलेक्ट करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं या फिर जिसकी वेबसाइट होती है, तो क्या होता है कुछ जगह वो HTTP रहती है और कुछ जगह वो HTTPS में भी आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो ये एक वल्नरेबिलिटी हो जाती है, यहाँ से आप उनके टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको अपनी वेबसाइट इंक्रिप्टेड कर देनी है पूरी की पूरी, मतलब कि जहाँ भी ये हो HTTPS में ही ओपन हो, ठीक है। अब इसके बाद हम इंक्रिप्टेड की बात कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इंक्रिप्टेड कर तो देते हैं पर बहुत वीक इंक्रिप्शन लगाते हैं, मतलब कि बहुत वीक, जिसको मतलब
ऑनलाइन क्रैकिंग से क्रैक किया जा सकता है, मतलब वेबसाइट पे लिखो ऑनलाइन क्रैकर MD5 क्रैकर और वहाँ से वो जल्दी से क्रैक हो जाता है। तो बहुत सारे होते हैं इंक्रिप्शन जो हाई लेवल के होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं जिनको बहुत मतलब क्रैक करना इतना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, वो क्रैक हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ प्रोफेशनल लोग करते हैं, यहाँ हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ उस समय आप क्या कर सकते हो, हाईली सिक्योरिटी या फिर वीक इंक्रिप्शन को हटा के वहाँ पे आप अच्छा इंक्रिप्शन लगा सकते हो और इससे आप बच सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी फोर्थ पॉइंट के बारे में, अनइंक्रिप्टेड डाटा इन डाटाबेस। तो अनइंक्रिप्टेड डाटा इन डाटाबेस मतलब मैंने जैसे आपको बताया था SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी आप फाइंड करेंगे फिर आप वहाँ से निकालेंगे, तो आप क्या होता है वहाँ पे ना डाटाबेस में भी कुछ होता है, जैसे कि अगर आपने डाटाबेस कभी भी चलाया हो या फिर वेबसाइट आपने बनाई हो तो वहाँ पे डाटाबेस का होता है एक पैनल, वहाँ पे क्या होता है यूजर नेम और पासवर्ड सेव रहते हैं। पर वहाँ पे जब भी हम देखते हैं वहाँ पे एक हैश फॉर्म होती है यूजर नेम की, पासवर्ड की हैश फॉर्म होती है, ईमेल आईडी लिखी होती है और वो कब डाटाबेस बना था उसके बारे में ऐसा ऐसा बताया जाता है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि कैसे इसमें वीकनेस आ जाती है, कैसे वो हो जाता है। तो हमारा जो हैश वैल्यू होती है यूजर नेम की और हैश वैल्यू होती है पासवर्ड की, तो वो दोनों एकदम प्लेन टेक्स्ट में हो जाती है, मतलब आपने SQL इंजेक्शन की SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इस वेबसाइट में फाइंड करी, मान लीजिए ABC वेबसाइट में आपने SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी फाइंड की, आपको डाटाबेस मिल गया। अब डाटाबेस में हैं पर अब डाटाबेस से आगे क्या, मतलब वहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया हैश के फॉर्म में, तो वहाँ तो वेबसाइट थोड़ा सा सिक्योर हो जाती है। पर अगर वही अगर प्लेन टेक्स्ट में हो तो हैकर को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करेगा एंड अपने वेबसाइट में इसको डाल देगा। मतलब तो यही है कि आपको उससे बचना है, तो बचने के लिए यही है कि आप इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, अच्छा इंक्रिप्शन। तो मैंने इस वीडियो को पूरा समराइज करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि OWASP Top 10 की जो थर्ड वल्नरेबिलिटी है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर, वो क्या है, सेंसिटिव मतलब कि सेंसिटिव कुछ इंफॉर्मेशन डाटा जो आपने उसमें डाटा निकाला है और एक्सपोज मतलब वो आपको दिख रही है सामने सामने, यही होता है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। इसको कैसे फाइंड किया जाता है आप यही बोलेंगे, बहुत सारे बग बाउंटी हंटर्स होंगे हमारे साथ जो भी फ्रेशली या बिगनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर अभी उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो वो इस बारे में पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे ना जब भी हम सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर की वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, SQL इंजेक्शन आपने मारा किसी वेबसाइट पे, वो SQL से हैक हो जाती है, मतलब कि मान लीजिए PHP में वेबसाइट बनी है या उसका डाटाबेस आपका SQL में बना है तो वो क्या करेगा, SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी वहाँ पे फाइंड हो सकती है और मिल जाएगा आपको। तब वहाँ पे भी आपको डाटाबेस में मिले हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है डाटाबेस में, हैश वैल्यू होती है, तो वहाँ से ये वल्नरेबिलिटी ऐसे फाइंड कर सकते हो कि सेंसिटिव डाटा भी आपको दिख रहा है वो भी प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके चार पॉइंट होते हैं, मैंने आपको जैसे समझाया था। पहला होता है इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्स डाटा, कि आपकी कोई डिटेल है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वो प्लेन टेक्स्ट में आपको दिख रही है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मास्क लगाना है, मतलब कि जैसे कि फॉर्म आती है ना XXXXX और लास्ट में 4-5 डिजिट जो होती है क्रेडिट कार्ड की जो भी आपकी आधार नंबर है ऐसे, तो इस तरीके से आपको मास्क करना है। अब दूसरा जो वल्नरेबिलिटी है इसी में आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूँ मैं, वो होता है आपने इंक्रिप्शन नहीं लगाया, आपकी वेबसाइट जो है HTTP पे है और HTTPS करना है आपको उसको। ठीक है, तो ये हो जाती है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपने इंक्रिप्शन लगाया तो है पर बहुत वीक इंक्रिप्शन है, इसके लिए आपको अच्छा इंक्रिप्शन लगाना है, SHA-1-5-2 जो भी होता है इस तरीके से आपको इंक्रिप्शन लगाने हैं, अच्छे अच्छे इंक्रिप्शन लगाइए जिससे कि और वीकनेस जो है उसकी वो हाथ लगी वीकनेस कम हो जाए और जो हमारा सिक्योरिटी है वो हाई लेवल हो जाए। ये हो जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारे इंक्रिप्टेड जो अनइंक्रिप्टेड डाटाबेस है उसको इंक्रिप्टेड करना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो की सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर क्या है, इसके चार पॉइंट बताए मैंने आपको डिटेल में बताया, तो इतना सा आपको समझ आ गया होगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो अगर जिसको इंग्लिश चाहिए तो वो इंग्लिश में भी मैं आपको कहीं और बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों से यार मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर आपको इस चैनल पे कोई वीडियोस देखनी है या फिर मतलब किसी और टॉपिक पे है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन बताएं, या फिर आप मुझे ये बताएं कि हाँ भैया आपकी वीडियो में ये कमी है, आपकी ऑडियो में क्वालिटी में कमी है, आपकी वीडियो क्वालिटी में कमी है, आपका समझाने का तरीका थोड़ा
कॉम्प्लेक्स कर देता है या फिर, तो उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमें मिलेगा फीडबैक और हम अपने चैनल को और अच्छे से और अच्छी वीडियोस बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आपको अच्छे समझ आ सके, हिंदी में है या इंग्लिश में है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर। और मैं इसके बाद मतलब इसी वीडियो के साथ साथ अब आपको ये बताऊंगा मतलब कि कैसे हम अपने लैपटॉप स्क्रीन या फिर हम किसी भी वेबसाइट पे सेंसिटिव डाटा एक्सपोज मतलब कि वो वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एक डेमो वीडियो पूरा हैक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब इतना ऐसा है कि हमारे साथ उसने हमारा पुराना चैनल डिलीट कर दिया। कोई नहीं, पर हम सिखाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और अगर आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपके अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप भी एक सच्चे एथिकल हैकर हैं तो सब्सक्राइब करें फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना, हमारा जो एग्जाम्प टूल है इसको ओपन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। दो वैल्यू हमारे पास जो है, अपाचे सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर। तो ये दोनों चीज़ों को हम ऑन करेंगे बिकॉज क्योंकि हमें डाटाबेस में एंटर करना और देखना है। तो ये हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, ना किसी वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट पे करते तो हमें लोकल होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोकल होस्ट पे हम देखेंगे PHP माई एडमिन, जो हमारा डाटाबेस का है पूरा सिस्टम, इसके अंदर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटाबेस है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितने ग्रुप्स हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं, उनके SQL क्वेरी बनी है, मतलब कि SQL में डाटा बना है कि नहीं बना है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो DBWA में है हमारे पास गेस्ट बुक और यूज़र, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। पर हम यूज़र में आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें प्लेन टेक्स्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, जैसे कि सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर में होता ही है। तो यहाँ देखिए, हमें प्लेन टेक्स्ट में यूज़र नेम मिल चुका है एंड पासवर्ड हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जैसे थ्योरी में, अगर आप में को पता होगा कि हम कॉपी करेंगे इसको और सीधा क्रैक स्टेशन या किसी भी वेबसाइट पे और हम जाके इसको पेस्ट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा जो भी इसकी वैल्यू है, मतलब कि पासवर्ड क्या है, मतलब इस हैश को क्रैक करेंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं, जॉन द रीपर की मदद से या ऑनलाइन। तो मैं ज़्यादा प्रेफर ऑनलाइन करूँगा, पहले देखूँगा कि ये सही होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाती है क्रैक स्टेशन, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, इसको मैं रोबोटिक करूँगा, और यहाँ पे क्रैक स्टेशन देखा आ रहा है कि हम ये हैश वैल्यू क्रैक करता है। क्रैक करते हैं, हम देखते हैं कौन सी हैश वैल्यू है। तो ये देखिए, हमारे सामने क्रैक हो चुका है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है। मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारे पास टाइप इसका दे रखा है MD5। तो ये एक है, मतलब कि इसे हम कह सकते हैं कि इस चीज़ ने हमारी जो भी वीकनेस है, मतलब कि ये जो हमारा इंक्रिप्शन है वो थोड़ा वीक हो जाता है। मतलब आपने इंक्रिप्शन लगाया है, ठीक है, पर ये वीक इंक्रिप्शन, अब इसको अच्छे करने के लिए आपको अच्छे अच्छे हैशेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कर सकते हैं। तो आप सीधा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ, हमने जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, मतलब कि मिली है, ज़्यादा ही हिंदी में हो गया, तो हमें जो वैल्यू मिली है उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरी किस डायरेक्टरी में है हमारी वेबसाइट और ये फाइल डायरेक्टरी। ओके, तो हम ओपन करेंगे फाइल डायरेक्टरी को, लोकल होस्ट के बाद हम फाइल लिखेंगे और DBWA का फोल्डर ओपन करेंगे, जहाँ पे हमें यूज़र नेम पता है, एडमिन है, एंड द पासवर्ड इज सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। DBWA हमारे पास ओपन हो चुका है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जैसे कि हमने पुराना चैनल था, अगर उसके सब्सक्राइबर होंगे, मैंने पूरी वेब सीरीज़ बना रखी थी, मतलब वेबसाइट पे, मतलब इस वेबसाइट पे मैंने सब कुछ किया हुआ था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन का पूरी सीरीज़ थी। तो वो अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो कोई नहीं, आपने मिस कर दिया वो चीज़ें। तो यहाँ हम इस यूज़र नेम पासवर्ड को हमने डाला एडमिन और सब्सक्राइब, और हमारे सामने ये सब कुछ आ गया। तो ये एक डेमो मैंने आपको दे दिया है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट से या फिर डाटाबेस से कैसे हम निकाल सकते हैं जो हमारा मतलब दिखता है प्लेन टेक्स्ट में। तो इसकी वीकनेस आपको पता चल चुकी है कि वीक इंक्रिप्शन था और कई जगह वो प्लेन टेक्स्ट में ही थे फाइल। तो वीक इंक्रिप्शन को हटाने के लिए आप अच्छा इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो चलिए हम काले लिनक्स में देख लेते हैं और एक अच्छे से ब्रीफली समझ लेते हैं कि सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के लिए और क्या क्या डेमो हो सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले अपना काले लिनक्स ऑन कर लेता हूँ, और जिसको काले लिनक्स से नहीं पता भैया, ये हैकिंग हैकर्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब हैकर इसको यूज़ करते हैं। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हैकर बन चुके हैं, पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और बहुत सही चीज़ है, ठीक है। तो काले लिनक्स हमने निकाल लिया है और यहाँ पे हमारे सामने
हम टर्मिनल ओपन करेंगे आपके सामने और मैं यहाँ पे डॉकर की कमांड रन करता हूँ क्योंकि हमें एक लोकल होस्ट चाहिए। और जिसने जूस शॉप की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना कैसे हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओआप्स टॉप टू की वीडियो के भी मिल जाएंगे और कैसे हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम जूस शॉप रन करेंगे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से देख लेना। और ओवास का पूरा सीरीज मैं बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा ये डॉकर ओपन कर लिया है और अपना पोर्ट भी ओपन हो चुका है इसके साथ साथ। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन करेंगे, जैसे कि हमारा लोकल होस्ट है 3000 और ये है हमारे पास जूस शॉप की वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और करेंगे। मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई हैक करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, हैक भी करेंगे तो यार यूट्यूब की गाइडलाइंस और इनकी गोलियाँ हमें लग जाती हैं जल्दी। तो यहाँ पे हम कस्टमर बना लेते हैं, मतलब कि हम अगर नहीं कस्टमर हैं तो कस्टमर बन जाते हैं। अगर आपने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे जीमेल आईडी कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी admin@gmail.com दे देता हूँ, ऐसी वेबसाइट होगी मतलब ऐसी जीमेल होगी भी नहीं शायद, पर ये हम डाल देते हैं और तो ये ले लेता है, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट या जीमेल आईडी कुछ भी डाल देंगे तो चल जाएगा, टेस्ट नाम से डालें या कुछ भी। तो आप एक सिंपली एक रजिस्ट्रेशन बना लेते हैं, तो चलिए मैं इसको फास्ट कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं हम। तो यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है, उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने लॉगिन हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे जूस शॉप में बहुत सारी जूस हैं और हम जो जूस चाहे वो पी सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी जूस ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऐड टू बास्केट कर सकते हैं। तो हमें अभी बनाना जूस पीना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा ये आ जाएगा बुक, मतलब कार्ड में आ जाएगा और हम यहाँ पे बास्केट में देख सकते हैं कि हो चुका है। तो यहाँ बास्केट देख लेते हैं, एंड हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। दो चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली थी तो उसको एक ही कर लेते हैं और यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एड्रेस देने के लिए बोला है, तो आप एड्रेस कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ आपको आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं, मैं कुछ भी देता हूँ। उसने एड्रेस पूछा, मैंने हिमालय का दे दिया, एंड नगरी भोलेनाथ की नगरी, एंड जो भी आप डालना चाहते हैं। स्टेट पूछा है तो क्यों बताऊँ भाई मैं, क्यों स्टेट मेरा क्या है। तो ये सब आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपके घर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी ऑप्शन हमें दिखा दिया कि क्या क्या है, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी डिलीवरी एड्रेस है। तो हम चूज़ कर लेते हैं स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब एक दिन में आए, चार दिन में आए। तो हम भाई जल्दी लेना चाहेंगे, थोड़े से पैसे दे देते हैं, कोई नहीं जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि भैया आप वॉलेट यूज़ करना चाहोगे या फिर कोई कूपन है या फिर अदर कोई पेमेंट ऑप्शन है, तब आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल्स देंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था थ्योरी में कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मास्किंग, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, तो उसको आप देख सकते हो, इंटरसेप्ट कर सकते हो। वो मैंने नहीं किया है तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये इसका यही दिखा रहा है कि कैसे आपको करना है। तो हम यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड न्यू कार्ड, और ये है हमारे पास ऑप्शन। तो यहाँ पे हम नाम डाल लेते हैं एंड क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं, जो हमारा 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड होता है। हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपकी मर्जी है। अगर ये ज़्यादा डालोगे तो वो बोलेगा भैया 16 डिजिट का ही कार्ड नंबर चाहिए उसे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कब तक हम जी रहे हैं, तो 2080 तक जियेंगे शायद, तो यहाँ तक रख लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो आप एकदम सही सही क्रेडिट कार्ड नंबर डालना, 16 डिजिट का, मतलब गलत डालना, ठीक है, सही मत डालना, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो इसके आगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है, पेमेंट ऑप्शन, ऐड न्यू कार्ड, न्यू कार्ड में ऐड करना चाहते हो तो सही है, वरना आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। जैसे कि ऊपर एक बटन दिया हुआ है रेडियो टाइप बटन, उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे कंटिन्यू है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सेंसिटिव डाटा कैसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास, हमने कुछ ऑर्डर किया है, इसको प्ले कर देते हैं, मतलब पे करते हैं। तो किसी वेबसाइट पे आपको करने के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐड करके ढूंढ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट की रिसिप्ट मिली है, तो ये हमारे पास रिसिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप URL में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक
दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक डायरेक्टरी दे रखी है और पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है इस ऑर्डर का। तो हमारे अगर आप डर्बी बस्टर करेंगे तो या फिर डर्बी बस्टर या डायरेक्टरी देखेंगे तो आपको ये डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो हम FTP डायरेक्टरी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइलें आई है, मतलब डायरेक्टरी आई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पीडीएफ फॉर्म में भी वही चीज़ है जो हमने ऑर्डर करी थी और वही चीज़ हमें पीडीएफ फॉर्म में मिली है। तो ये भी एक सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर होता है, इसका एक डेमो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे शायद आपके पासवर्ड सेव हो, बहुत सारे पासवर्ड सेव हो सकते हैं, तो वो आप सेव करके आप देख सकते हैं पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे हम सेंसिटिव डाटा को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी POC बना सकते हैं HackerOne या बग क्राउड या बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जो भी आपको बग बाउंटी देती है उस तरीके से आप बग फाइंड करके उनको स्क्रीनशॉट भेजें और पैसे कमा सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते रहना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा जो क्वेश्चन था उसको ज़रूर बताना कि आप क्या कहना चाहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। और अगर आप एक सच्चे एथिकल हैकर हैं तो सब्सक्राइब करें फॉरेंसिक टेक को, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरी ID भी यहाँ पे है।